नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस, इंडिया और इंटरनेशनल जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आगामी SSSC, HSSC, RPSC, MPSC, रेलवे, आर्मी आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए पायरोमीटर। LAN लैन का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क। जब एक चींटी काटती है तो किस अमल का रिसाव होता है? ऑप्शन बी फार्मिक अमल। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी रंगीन रत्न पत्थर। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए कैडमियम। भारतीय रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के लिए विकल्प नामक योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में सही नहीं है? और कथन इस प्रकार हैं, दूसरी ट्रेनों में उनकी कन्फर्म सीटें दी जाएंगी, यात्रियों से अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा, प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों को राजधानी शताब्दी स्पेशल ट्रेन में यात्रा का अवसर उपलब्ध हो सकता है जबकि उन्होंने दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में बुकिंग की हुई हो, विकल्प योजना केवल ई टिकट पर ही उपलब्ध होगी। तो दिए गए कथन में जो योजना के संदर्भ में सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, दूसरी ट्रेनों में उनकी कन्फर्म सीटें दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फिलिप्पो पकिनी। अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था? ऑप्शन बी IITF नई दिल्ली 2016 में। ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी मूनलाइट। और 2018 की ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है द शेप ऑफ वाटर। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। खिलाड़ी मिताली राज, पूनम रानी, ललिता बाबर। खेल दिए गए हैं हॉकी, 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ और क्रिकेट। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, पूनम रानी का संबंध हॉकी से है, ललिता बाबर 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और मिताली राज हाल ही में 7 जून 2018 को क्वालमपुर में खेले जा रहे T20 एशिया कप में भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं T20 में 2000 रन बनाने वाली, और उन्होंने यह मुकाम श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलते हुए हासिल किया। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इसराइल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन बी अफगानिस्तान। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन बी RH व्हिटेकर। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? ऑप्शन बी पानी। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? ऑप्शन सी शाखा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्रीय तट हैं? ऑप्शन बी गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राजस्थान। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री
किसने बनवाया था? ऑप्शन बी राणा कुंभा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए औसत कैलोरी कितनी है? ऑप्शन डी 2400। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? ऑप्शन ए सुरक्षित भंडार। 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? ऑप्शन सी गुजरात के खेड़ा जिले में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।